अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को शबे बारात मुबारक हो। आज मैं आपके लिए झटपट बनने वाला चने की दाल का हलवा लेकर आई हूँ, तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पैन में घी ले लिया है थोड़ा, और इसके अंदर मैंने डाल दी है एक कटोरी चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे सोक करके रखा था और उसके बाद में उसका पानी निकाल दिया था। जब ये गोल्डन कलर होने तक ये फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल कर मिक्सर की जार में डाल देंगे और इसको हम एकदम फाइन ग्राइंड कर देंगे। तो जो बचा हुआ घी है वो हमने पैन में ही रहने दिया था, और जो दाल का पाउडर बन लिया गया है वो हम वापस उसी पैन में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा एरोमा इसका आ रहा था, लेकिन हमें इसे थोड़ा और कलर चेंज होने तक भूनना था, जिसकी वजह से दाल का हलवा जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे। अगर आपको ऐसे लगे कि इसमें घी कम है तो आप इसमें घी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। अगर ये कैसा है ये आपके चॉइस के ऊपर होता है। अगर आप ज़्यादा घी वाला हलवा खाना पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा घी डालिए। मैं इतना ज़्यादा घी नहीं पसंद करती हूँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डाला है ताकि मुझे समझ में आए कि कितना घी इसमें लग रहा है। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध लिया था और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। तो दूध जो मेरा गर्म था और इसे मैंने दाल में ऐड किया है, तो देखिए कितनी जल्दी दाल ने दूध को सोख कर लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 कटोरी से थोड़ा कम लिया है, तकरीबन आप 1/4 कटोरी समझ लीजिए। मैंने इसमें शक्कर डाल दी है और इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। साथ में ही मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अपनी जो चने की दाल का पेस्ट है उसे पका लूँगी, ताकि मेरी जो दाल अच्छी तरीके से भुन जाए। और यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे कि घी और थोड़ा ड्राई लग रही है हमारी दाल, तो शाइनिंग के लिए हम थोड़ा और इसमें घी ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने पूरा 1/2 लीटर जो दूध था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ में ही आप चाहे तो ऑरेंज या येलो फूड कलर जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। और साथ में ही दूध की जो मलाई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आपको इसमें खोआ डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। साथ में ही अब हम इसमें ड्राई फ्रूट कट करके डाल देंगे, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और झटपट हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में जब हमने गैस बंद कर दिया, अब इसमें हमने वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए और गार्निश करके हमने इसे सर्व कर दिया। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और शबे बारात में हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं की हमें सख्त ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।